ईमानदार लड़की। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़े भी हो चले थे। उन्हें रात दिन अपने राज्य की चिंता लगी रहती थी। वह अपनी रानी से अक्सर इस बारे में चर्चा किया करते थे कि उनके बाद राज्य का शासक कौन होगा, वह ईमानदार भी होगा या नहीं। एक बार राजा अपनी रानी के साथ टहलने निकले। हरे भरे पौधों को देखकर उनके मस्तिष्क में अपने राज्य के लिए योग्य शासक चुनने का विचार आया। उन्होंने रानी से कहा, मैंने निश्चय किया है कि मैं अपनी प्रजा में से ही अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। इसके लिए मैं उनकी परीक्षा लूंगा। जो भी सबसे अधिक ईमानदार होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजा की बात पर रानी ने सहमति जताई। अगले दिन राज्य में यह घोषणा कर दी गई कि आगामी सोमवार को राजा अपना उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। सोमवार के दिन राज्य के अधिकतर लोग राजा के दरबार में पहुंच गए। उसमें बच्चे, पुरुष, महिलाएं सब थे। राजा ने कहा, मैं आपको पौधों के बीज दूंगा। आप सब घर जाकर इन्हें गमलों में बोएं। एक वर्ष बाद आप अपने अपने पौधों के साथ राजमहल में आएंगे। जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा वह ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यह कहकर राजा ने वहां आए लोगों को बीज देने का आदेश दिया। इतने में एक छोटी लड़की राजा के सामने आई। उसकी उम्र 12-13 वर्ष होगी। वह राजा से बोली, महाराज मुझे भी बीज दे दीजिए। राजा ने उस लड़की को गौर से निहारा। उन्होंने उसे भी बीज दे दिए। एक वर्ष बाद सभी लोग राजमहल में अपने हाथों में गमले लिए पहुंचे। उस छोटी लड़की के गमले को छोड़कर सबके गमलों में सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए थे। राजा बारी बारी से सभी लोगों के गमलों को देख रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक और खड़ी उस लड़की पर पड़ी। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया। लड़की उदास थी। राजा ने उसे उदासी का कारण पूछा। वह बोली, महाराज मैंने बीज बोए, खाद डाली, पानी दिया, लेकिन ये बीज जैसे थे वैसे ही रहे। राजा मुस्कुराकर बोले, बेटी ये तो होना ही था, क्योंकि बीज नकली थे। फिर भला ये कैसे उगते? तुम गमलों में लगे ये सुंदर सुंदर पौधे देख रही हो ना, ये तो ये लोग लगाकर लाए हैं। मेरी असली उत्तराधिकारी तुम ही हो, क्योंकि तुम ईमानदार हो। राजा की यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के सिर शर्म से झुक गए, लेकिन राजा बहुत प्रसन्न थे। आखिर उन्हें अपने राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी जो मिल गया था।